हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप ठीक होगे। मैं भी ठीक हूँ। आज है शनिवार तो मैं वीडियो खास नहीं बना पाई थी क्योंकि मैं इतना बिजी हो गई थी कि मेरे को वीडियो बनाने का टाइम नहीं रहा था। कुछ मेरा ना शरीर ठीक नहीं था। रक्षाबंधन पे मैं गई थी तो वहाँ से ना मेरे सिर पे चोट लग गई थी तो एकदम से पर्दे की पैप गिर गई थी आके मेरे सिर के ऊपर। वो पर्दे की पैप थोड़ा भारी थी तो मेरे ना सिर में चोट लग गई थी। रामपुरा पुल गई थी जब मैं, तो मैंने बताया नहीं था कि तो मेरे ना सिर उठा नहीं गया। मेरे सिर में इतना दर्द था तो मैं मंदिर की भी वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो कपड़े धोने वाले हो गए थे काफ़ी ज़्यादा, नन्नू की यूनिफॉर्म थी तो धोनी थी, चादर भी धोनी थी आके। तो मैं आते ही शाम को ना कपड़े की मशीन लगा ली तो दूसरे दिन भी नहीं मेरे से उठा गया। तो कपड़े ज़रूरी थे धोने, इसलिए मैं आप धोने लग गई कपड़े। तो मंदिर की मैंने वीडियो शूट नहीं करी तो पूरा दिन मेरे से उठा नहीं गया। मैं कहा चलो कपड़े तो मैं धो ही लेती हूँ। तो इतने गलत कमेंट मत करा करो सपना के ऊपर, है ना। उसके ससुराल वाले भी देखते हैं वीडियो को। आप कितने कमेंट करे हुए थे कि सपना अपना चैनल खोल ले, हमें सपना की वीडियो अच्छी नहीं लगती, उसने मेकअप अच्छा नहीं करा, मेकअप ऐसे करा हुआ, हम डर गए, ऐसा क्या हो गया मेकअप में जो आप डर गए, है ना। कैसे कैसे कमेंट करते हो आप, किसी की ये नहीं देखते, किसी की इज्जत कह के। उसके ससुराल वाले भी देखते हैं वीडियो, हैं। किसी को ऐसे बोलना अच्छा नहीं होता ना, अच्छा नहीं लगता। जब वो नहीं किसी से कुछ भी बोलती, कोई वीडियो में ऐसे नहीं कभी भी उसने बोला कि आप मुझे कैसे कमेंट करते हो, वैसे करते हो, मैं ही तो बोलती हूँ ना। तो आप ऐसा भी मत बोला करो उसके बारे में। आप बनाएगी चैनल, वो ज़रूर बनाएगी, थोड़ी सी उसकी ना कोई नहीं मजबूरी है जो उस जिसकी वजह से वो चैनल नहीं बना पा रही अभी, कि वो सीखेगी फिर ही तो बनाएगी ना। इतना थोड़ी ना भी कोई जन्म से ही उसको आता होएगा, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना सीखने के लिए। मेरे को भी कौन सा आता था, मेरे को भी जैसी एडिटिंग आती है मैं भी वैसी कर लेती हूँ। इतनी तो मैं भी नहीं यूट्यूबर बड़ी के मैं भी इतनी इतनी वीडियो एडिटिंग कर करके डाल दूँ। आपने तो मेरा सपोर्ट करना छोड़ दिया, तब से मेरा दिल इतना टूट गया कि देखो आपको पता ही है मैं यूट्यूब से कमाती हूँ, है ना। मेरा घर है ना जो यूट्यूब से चलता है। तो आपको कुछ सोचना चाहिए, क्या हम इस भी आंटी की हेल्प करें। जितने भी मेरे सपोर्टर हैं वो तो मेरी हेल्प करते हैं, मेरे को पता है। कई भी ऐसे हैं जो कि गलत कमेंट करते रहते हैं, आंटी ऐसे है, आंटी वैसे है ना। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, तो पता तो मेरे को भी है जो जो कमेंट करते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, जितना का जो करते हैं उतना भी सही है। कोई ज़बरदस्ती तो मेरे से किसी को है नहीं, मैं ज़बरदस्ती करूँगी भी मेरे को ऐसे करो वैसे करो। मैं तो माता रानी के नाम पे ही करती हूँ, ठीक है। जो भी कुछ होता है माता रानी का नाम ले कर ही। और सुबह मॉर्निंग हो गई है, वीडियो पूरा शूट नहीं करवाई थी, सिर में दर्द था तो दूसरे दिन मैं मॉर्निंग टाइम उठी हूँ सवेरे सवेरे। तो मैं सब्ज़ी बनानी थी आलू बैंगन की, क्योंकि नन्नू को बहुत पसंद है आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो मैंने सोचा चलो आलू बैंगन की सब्ज़ी बना लूँ। वैसे तो अरबी भी रखी थी, तो अरबी मेरे से छीली नहीं जाती, मेरे एलर्जी हो जाती है अरबी छीलने से। तो आलू बैंगन की सब्ज़ी छील के मैं बनाने लग गई। तो सब्ज़ी बनाते ही मैं नहा ली थी, मैं कहा आप बोलोगे नाइट सूट में वीडियो बना रही आंटी, तो मैं नाइट सूट नहा के उतार देती हूँ और फिर मैं नहा के ही काम करती हूँ बाकी। अब क्योंकि सफाई तो मेरे से होती नहीं, तब से मैं बीमार हुई हूँ, मैं सफाई के लिए किसी को रखा है थोड़े दिन के लिए। और उधर से मेरे जब मैं रामपुर गई और सिर में चोट लग गई, पता नहीं क्या किसी का कुछ ऐसा हो गया जो दुख पे दुख ही आई जा रहे हैं। उधर से मुस्कान का फ़ोन आ गया था सुबह सुबह कि मम्मी मेरी दादी सास के भी ऐसे हो गया, भाई उसके ना मुंह से ब्लड आने लग गया था, वो बीमार रहती थी, पता नहीं क्या हो गया सुबह से उसके ब्लड आ रहा था। मैं क्या मैंने बोला उसको मैं थोड़ा काम कर लूँ, काम करके नहा के मैं कंचन का फ़ोन कर दिया था कि कंचन तू प्रियांश के पास आ जाना, आ जा प्रियांश को ले जाना तू इधर से, तो मैं उधर जाना है, आज मुस्कान के घर जाना है गुड्डू के, तो उसकी दादी भी ज़्यादा बीमार है। तो मैं जल्दी जल्दी सब्ज़ी बनाई, नहा तो मैं पहले ही ली थी, तो मैं जल्दी जल्दी सब्ज़ी बनाई और सब्ज़ी बना के मैं साथ के साथ नन्नू को भेजा पहले काम पे, रोटी बना दी सब्ज़ी बना दी। नन्नू आजकल ना डबल ड्यूटी कर रहा है, वो उसने छुट्टियाँ ले रखी थी, रामपुर गया था मेरे को लेने के लिए, तो दो छुट्टियाँ कर ली थी उसने। तो वो कहता मम्मी मेरी छुट्टी पूरी हो जाएगी, मैं कहा चल ठीक है डबल ड्यूटी कर ले। वैसे तो रात को तो आ ही जाता है, सुबह 7-8 बजे चला जाता है तो 5 बजे आता है, 5 बजे 4:45 बजे आके फिर वापस नहा धो के फिर वापस हो जाता है।
तो रात को ही आता 11-11 बजे। तो मैं कहा चल कोई नहीं, दो दिन ऑक्स ऑफ काट ले, तो छुट्टी करिए तो पूरी तो करनी पड़ेगी। पहले भी हटा दिया था इसको, तो मैंने बड़ी मुश्किल से लगवाया था काम पे। उनको बोला था मैंने अब छुट्टी नहीं करेगा ये। मैं उसको छोड़ के गई थी, वो उसका मेरे बगैर दिन नहीं लगता, तो मेरे पीछे ही चला गया लेने के लिए। कहता नहीं मम्मी मैं तो लेने आ रहा हूँ तेरे को। मैं सवेरे पहली बस गई थी मॉर्निंग टाइम, और शाम को वो बाप मेरे पास चला गया। तो उसका मेरे बगैर मन नहीं लगता। मैं उस एक दिन रुका, दूसरे दिन हम वापस आ गए। वो भी मेरी चोट लग गई थी, थोड़ा सा लेट आए थे। तो सपना भी चली गई थी बेचारी, मैं भी आ गई थी। घर सुना सुना हो जाता जब लड़कियां चली जाती है, तो मेरी माँ तो रोने लग जाती है जब हम आते हैं ना, तो उसका मन दुखी हो जाता, वो तो बेचारी रोने लग जाती हैं। तो सब्जी बन के मेरी रेडी होगी, पहले मैंने आलू बैंगन जो बताऊँ थे ना वो फ्राई कर लेते थोड़ा सा हल्का सा, तो प्याज में बाद में डालती हूँ जब थोड़ा सा वो फ्राई हो जाते हैं, नहीं तो घुली घुली सी बन जाती है सब्ज़ी। जब फ्राई करके डालते हैं ना वैसे खड़ी खड़ी रहती है सब्ज़ी, वैसे तो गल जाती है पर खड़ी खड़ी रहती है। तो मैं प्याज लहसुन अदरक पहले डाल दिया उसमें भून के आलू बैंगन को, और बाद में टमाटर काट के, एक टमाटर से मैं आधा ही टमाटर डालती हूँ। चीनू चीनू उठो भाई, चाय। आज तो बहुत लेट उठा, ऐसे उठता तो लेट के, संडे था, संडे है ठीक है। आंखें बंद चीनू की, अच्छी नींद आई होगी इधर तो है ना। प्याज मेरे भुन गए और बैंगन की सब्जी भी भुन गई। अब मैं डालना है इसमें नमक मिर्च हल्दी और मसाला। इतनी टेस्टी बनती है जब पहले सूखी सब्जी बनाओ उसको भून भून के, तो बहुत टेस्टी बनती है फ्राई करके। तो जो सूखी सब्जियाँ होती है ना मैं तो ऐसे बनाती हूँ भाई, सूखी भून के पहले फिर उसमें नमक मिर्च मसाला डालती हूँ। मैं पानी नहीं बिल्कुल भी डालती, फिर बहुत ज़्यादा स्वाद बनती है। नमक डाल दिया मैंने, हल्दी डाल दी और मसाला गरम मसाला, काली मिर्च में पूरे मसाले डालती हूँ इसमें, तो बहुत टेस्टी बनती है। दिल करता है इसको खाई जाओ खाई जाओ। तो गगन को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने उसको फ़ोन भी कर दिया कि कंचन सब्जी ले जाना आके, भी आलू बताऊँ कि मैंने सब्जी बनाई है। तो कंचन तो ना कंचन खाती ज़्यादा ये सब्जी, और मैं भी इसको कम ही खाती हूँ, तो आलू खा लेती हूँ, बैंगन कम खाती हूँ। मेरे ना थोड़ी सी इन्फेक्शन हो जाती है बैंगन खाने से गले में, तो मैं कम खाती हूँ। तो इतने में मैंने प्रियांश को उठाया, मेरी सब्जी बन के रेडी होगी। सब प्रियांश को उठाया तो मैंने चद्दर चुद्दर झाड़ी, चद्दर बिछाई। जब जिस दिन प्रियांश होता है थोड़ा खिलारा हो जाता है, नहीं तो पूरा दिन घर साफ रहता है, खेलता कूदता है, कभी चद्दर इकट्ठी कर रहता है, कभी कुछ, ऐसे मेरा भी दिल लगा रहता है इसके साथ में। तो मैंने कहा प्रियांश चद्दर बिछवा दे, उसने बिछवाई नहीं, तो मैं अकेली लग गई चद्दर बिछाने के लिए। बेड मैंने खिंचवा लिया था पहले ही, और चादर अच्छी तरह बिछ जाती है। अब किसी ने कमेंट करा था आंटी जी थोड़ा सा दीवार से बेड खिंचका दो, तो वो मैंने बेड खिंचवा लिया था गगन से। तो बेड की चादर कर दी मैंने सही, अब दूसरी भी सही करूँगी छोटे बेड की। जब नन्नू सोता है तो मैं बेडशीट उठ के चला जाता है काम पे, तो मैं बेडशीट सही करती हूँ और कंबल भी उठा देती हूँ। और आज तो मैंने अपने ये चिड़ियाँ हैं मेरी, उनका भी पिंजरा साफ करना था, धोना था, तो प्रयाश का बैग भी धोना था। प्रयाश के शूज थे वो गंदे हो गए थे वाइट वाले, वो भी धोने थे क्योंकि इधर ही रह गया था ये शचड़े को। तो मैंने कहा चल धो के भेज दूँगी मंडे को, फिर पाता है वही शूज पाता है। वैसे वर्दी तो चेंज हो जाती है, ब्लू होती है सैचरडे को, वाइट होती है फिर मंडे को, बाकी दिन दूसरी वर्दी होती है इसकी यूनिफॉर्म। तो काम मेरा हो गया रेडी। तो मेरा फोन ना थोड़ा सा मेरा ट्राईपॉड ठीक नहीं है। चल बना तू तो रोटी, आलू बैंगनी की सब्जी बन के रेडी हो गई मेरी। गैस तो थोड़े चलते ही बाली तेज है, ताइयो तो छोटे गैस ते बनानी है रोटी, बड़ा का मैं चलांदी नहीं छेती। किन्नी का बन गया? चल ठीक है, दवाई दवा
ਗੋਲੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ।